नमस्कार, द दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। चीनी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, लखवी पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी पर चीन के रवैये को लेकर भारत की गंभीर चिंता से चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अवगत कराया। चीन ने लखवी को जेल से रिहा करने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कार्रवाई करने के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया था। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक के दौरान मोदी ने चीन द्वारा बनाए जा रहे 46 अरब डॉलर लागत वाले आर्थिक गलियारे पर भी भारत की चिंता जताई। ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। नीतीश बोले, पीएम देश में कुछ वक्त गुजारते हैं, ये वरदान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये वरदान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भी कुछ वक्त गुजारते हैं। नीतीश ने कहा, प्रधानमंत्री का क्या कहा जा सकता है, वे विदेश जाते हैं, ये वरदान ही है कि वे देश में भी कुछ समय व्यतीत करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस महीने के अंत में होने वाली मोदी की बिहार यात्रा की भी आलोचना की। नीतीश ने कहा, मोदी सत्ता में आने के 14-15 महीने बाद बिहार को याद कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ आने पर प्रधानमंत्री किस तरह के पैकेज की घोषणा करते हैं या फिर सिर्फ पैकेजिंग का काम करते हैं। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में गवाह ने बदला बयान। आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एक गवाह बुधवार को अदालत में मुकर गई और उसने अदालत से कहा कि प्रवचन देने वाले इस व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पीड़िता के वकील प्रमोद वर्मा ने कहा, सुधा पाठक अदालत में हाजिर हुई और उसने बताया कि वे आसाराम के आश्रम में महज एक कृषि श्रमिक थी और उसे उनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्मा ने कहा, ये पूछे जाने पर कि क्या वह डर गई है या दबाव में है, उन्होंने ना में जवाब दिया। एक किशोरी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने को लेकर आसाराम 2013 से ही जेल में है।